दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे 13 फरवरी 2018 के दिल्ली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन से दिल्ली करंट अफेयर्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जो आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। दोस्तों आपको PDF फाइल आपको नीचे एक लिंक मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओगे, सभी के लिए ग्रुप हो जाओगे, ऐड हो जाओगे, उसके अंदर पर्सनल कोई चैटिंग नहीं करेगा, ओनली फॉर आपको PDF मिल जाएगी, वहां से आपको सभी को PDF मिल जाएगी, सभी को शाम को 7 से 8 बजे के बीच में सभी को PDF मिल जाएगी। जो डेली करंट अफेयर्स की हैं वो डेली हमेशा डेली की मिलती रहेगी आपको, और नया भर्ती है भर्ती के बारे में आपको मिलती रहेगी, और राजस्थान का है तो राजस्थान का आपका PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे नीचे दिए गए लिंक से ग्रुप में जुड़िए, हमें बहुत खुशी होगी। आइए शुरुआत करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देश का पहला फ्लोटिंग मार्केट किस राज्य में खोला गया है? तो ये कोलकाता के अंदर खोला गया, पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर खोला गया। एशिया का तीसरा फ्लोटिंग मार्केटिंग है यहाँ पे, ये इसलिए खोला गया है क्योंकि यहाँ जनसंख्या के आधार पर और सभी प्रकार की वस्तुएं यहाँ मिल सकती है, क्रय विक्रय किया जा सकता है सभी प्रकार के वस्तुओं का। अगला देखिए, टेलेट सर्च स्टेट किस संभाग ने जीता, ये खेल से संबंधित है। प्रथम स्थान जयपुर है, दूसरा स्थान बीकानेर और तीसरा स्थान भरतपुर है। अगला देखिए, पंडित शंकर निराश स्मृति कबड्डी प्रतियोगिता किसने जीती है? तो राजस्थान ने हरियाणा को हराकर ये प्रतियोगिता, ये टूर्नामेंट जीत लिया है। अगला देखिए, राजस्थान में झुंझुनू शहर के IIT ग्रेजुएशन निपुण गोयल को किस सूची में शामिल किया गया? तो ये मैग्नीज फोबस सूची है अंडर 30 की, उसमें 2018 में शामिल किया गया, राजस्थान का ये शामिल किया गया है, इस अंडर 30 की सूची में, मैग्नीज सूची में शामिल किया गया। अगला देखिए, ये अच्छा सवाल है, 2, 5 और 6, दुनिया का 15 सबसे महंगे, सॉरी अमीर शहरों में, यानी दुनिया की 15 सबसे अमीर शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो मुंबई का, मुंबई का 12वां स्थान है। अगला देखिए, राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये मुंबई के अंदर किया जाएगा, ये 29 मार्च से शुरू होगा। अगला देखिए, रेलवे ने अपना वहीस लबो और पोर्टल लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसमें रेलियों की खामियों को दूर करने की योजना, ये कमियां हैं उसे पूरी करेगा, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसकी नज़र हम देख लेते हैं, उसका क्या है महत्वपूर्ण तथ्य है, खेल मंत्रालय ने अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड की पेंशन को दोगुना करने का फैसला लिया है, यानी जो अवार्ड मिला है उसको पेंशन है वह डबल दोगुना कर दिया गया। अगला देखिए, ग्वालियर मध्य प्रदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने GVG यूनिवर्सिटी में आयोजित दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों की सहायतार्थ शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने देश में एक भी दिव्यांग न होने का ये हमारा प्रयास है, यानी देश में एक भी दिव्यांग न हो, यह राष्ट्रपति ने शपथ ली कि भाई हम प्रयास करते हैं कि ऐसा देश के अंदर नहीं हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको, आप हमारे ग्रुप में जुड़िए, आपको PDF फाइल वहाँ से मिल जाएगी, आपको ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। धन्यवाद।